ஹலோ, குட் மார்னிங் இந்தியா. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. Aaj hi subscribe karein Wi-Fi study channel ko. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे. तो गाइस, सबसे पहले आई एम सॉरी कि आज आपकी जो क्लास है वो 10 मिनट लेट हुई, क्योंकि स्टूडियो जो है वो 10 मिनट लेट फ्री हुआ, तो 10 मिनट बाद अपनी जो क्लास स्टार्ट हो पा रही है. तो होपफुली दोस्तों कि आप सभी लोग ज्वाइन कर लिया होगा आप लोगों ने, और ज्वाइन नहीं किया तो एक बार शेयर कर दो अपने व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, सभी जगह पे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके. तो हमेशा की तरह दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्या हुआ है देश में दुनिया में ऐसा जो कि आपके जानने के लिए, आपके नॉलेज के लिए और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो हमेशा की तरह वही करेंगे. अपार्ट फ्रॉम द हिंदू, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है सभी को देखेंगे दोस्तों, कौन कौन सी न्यूज कहां कहां से अपन ले सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों. सबसे पहले देखेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने कल आपको दिए थे उनको, उसके बाद देखेंगे 1 मिनट तक अनअकैडमी के ऊपर क्या चल रहा है, और उसके बाद देखेंगे आज का द हिंदू. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आप देख सकते हैं ये दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, करंट अफेयर्स बाय भुवनेश सर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पे नियर बाय 18,000 लोग आपको मिलेंगे दोस्तों. यहाँ पे PDF और वीडियो सारी क्लासेस के आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. साथ में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल UPSC, SSC, रेलवे, और UPSC की कर रहे हैं, SSC, रेलवे, बैंक, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, UGC एग्जाम है, कोई CAT है, अनअकैडमी के ऊपर घर बैठ के, तो रेफरल कोड BHU NESH भुवनेश10 यूज कर सकते हैं. 10% ऑफ मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस भी आपको मिल जाएगी. अगर मेरे कोर्स की बात करें दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि 10 तारीख से दोस्तों, 10 फेब से मेरा करंट अफेयर का कोर्स आने वाला है, जो कि आपकी CGL और CHSL एग्जाम के लिए है. ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों एग्जाम के लिए गारंटी है. इस कोर्स के बाहर जो है आपका करंट अफेयर एग्जाम में नहीं आएगा. साथ में CHSL की क्लासेस चल रही है, अभी ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है, फिर हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, फिर पॉलिटी, फिर इको, साथ में करंट अफेयर. मेरे अलावा आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS की भी सारी क्लासेस मिल जाएगी. CGL का क्लासेस आपके लिए फ्री है, तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेकर सारे एग्जाम जितने भी SSC है सबकी तैयारी कर सकते हैं. अगर आप SBI PO क्लर्क की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी करंट अफेयर स्टार्ट होने वाला है मेरा, और टीम AVP के साथ में आप पढ़ सकते हैं भुवनेश10 यूज करके. साथ में GK के यहाँ पे चल रही है रेलवे के अंदर, सभी क्लासेस का कंप्लीट कोर्स, बूस्टर सब मिल जाएगा, भुवनेश10 आप यूज कर लेना. ठीक है ना, चलिए ये सुपर टेस्ट आप लोगों के लिए CGL के स्टार्ट हो चुके हैं 1 तारीख से, ज्वाइन कर लेना दोस्तों, साथ में क्लासेस भी आपको मिल जाएगी. चलिए पहला सवाल देखते हैं. निम्नलिखित में से किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव की मेजबानी करी है? तो कहां पे करवाया गया बाल फिल्म महोत्सव, ये करवाया गया आपके ढाका के अंदर, तो ढाका आपका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों में फिर से शामिल हुआ है? तो कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज है उसके अंदर वापस से कौन, मालदीव है, जो कि वापस से शामिल हुआ है, हमने कल बात करी थी. और एक बच्चा बोल रहा है सर 20 सेकंड हो गए, मैंने 20 सेकंड नहीं, मैंने 1 मिनट के लिए बोला था, ठीक है ना, और 1 मिनट से शायद मैंने पहले ही जो है वाइंड अप कर दिया. ओके, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो अजीत कुमार जी जो है वो CBIC के अभी हेड है, चेयरपर्सन है, जो कि बने हैं. प्रसिद्ध कला उत्सव काला घोड़ा दोस्तों कहाँ पे, मुंबई में कराया जाता है, 9 दिन का फेस्टिवल है, काफी अच्छा फेस्टिवल माना जाता है. 2020 राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर कौन बनाया गया है? यहाँ पे बुलबुल, जो भी क्या है, रूबी गुला, इसको अपन कहते हैं. विश्व उपेक्षित रोग दिवस यानी कि नेग्लेक्टेड डिजीज डे जो है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है. विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन दोस्तों कहां पे, तेलंगाना के अंदर किया गया है, जैसा कि आपको मालूम है. तुषार कांजीलाल जिनका हाल ही में 85 की वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो कौन से सोशल वर्कर थे दोस्तों, और काफी सालों से. टैंगी एप्लीकेशन ये किसके द्वारा, गूगल के द्वारा दोस्तों बनाई गई है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है उमराव उमराई में एक जो है आपको मालूम एक्सरसाइज हो रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, संप्रीति इसका नाम है, संप्रीति है ना, ठीक है। याद से कोट ऑफ द डे जो कि गौरव ने भेजा है, अ विनर इज जस्ट अ लूजर हु ट्राइड वन मोर टाइम, थैंक्स फॉर द सेशन सर। तो यहाँ पे गौरव ने एक बहुत ही सिंपल सी बात बोली और बिल्कुल सच है कि एक विनर कौन होता है, वो एक लूजर ही होता है लेकिन उसने एक बार और ट्राई किया होता है। तो यार मतलब 99% केसेस के अंदर यही होता है कि जो भी एक विनर आपको कहीं पर भी देखने को मिलेगा, किसी भी एग्जाम जिसने क्रैक किया होगा या फिर कहीं पर भी सक्सेस उसने पाई होगी, तो वो एक लूजर ही होता है लेकिन बस उसने कोशिशें जो है वो मल्टीपल टाइम्स करी होती है। अगर आप कोशिशें कर रहे हो यकीन मानिए दोस्तों तो कभी भी फेल नहीं होगे, सक्सेस आज नहीं तो कर विनर जो है आज नहीं तो कल आप बने जाओगे। तो इस बात को कोशिश क्या कीजिए, अगर आपको कोई चीज़ डेस्परेटली चाहिए, अगर आप डेस्परेटली चाहते हो उस चीज़ को पूरा करना चाहते हो, तो यकीन मानिए आपको एक बार और ट्राई करना चाहिए। और ऑलमोस्ट लोग वहीं पर आके छोड़ते हैं जहाँ पे वो अपनी मंजिल के काफ़ी करीब होते हैं। तो कोशिश करते रहो, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन निकाल लो, कहीं जॉब कर लो, कहीं बच्चों को पढ़ा लो, होम ट्यूशन अवेलेबल कर दो ताकि आपकी फैमिली की और आपके कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा तो कोई दूसरी ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ही लोग पढ़ाई छोड़ते हैं, तो इसका सलूशन आप निकाल सकते हो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं तो ऐसा आप भी कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट मैंने भी ऐसा किया अपने कॉलेज डेज के अंदर या फिर प्रिपरेशन डेज के अंदर, मैंने भी कई बार जो है होम ट्यूशन पढ़ाई है, मैंने भी बहुत बार जो है इस तरीके से जो है एक तरीके से खुद को जो है सेल्फ सपोर्ट अवेलेबल करवाया है और आप प्रिपरेशन उसके साथ में कर सकते हो, तो ऐसा कर सकते हो, उसके अंदर कोई गलत नहीं है। ज़रूरी नहीं हर कोई अपने फैमिली से जो है वो फाइनेंशियली हेल्प लेना चाहे, कोई नहीं लेना चाहता है, कोई लेना चाहता है, तो इट डिपेंड करता है। तो अगर आपके ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, चलते हैं दोस्तों आज के दहेंदु की तरफ। अगर आज के दहेंदु की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने आपको कुछ टाइम पहले पढ़ाया था कि 9 जज की बेंच है जो कि बैठने वाली है और वो एक बहुत बड़े मैटर के ऊपर डिस्कशन करेगी, है ना। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या मुद्दा है एक्चुअली में, यहाँ पे इतना बड़ा क्यों दे रखा है, मुद्दा क्या है वो देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों कोरोना वायरस की बात करें तो केरला के अंदर 3रा केस आ चुका है और स्टेट इमरजेंसी है जो कि घोषित कर दी गई है। ओके, तो स्टेट इमरजेंसी के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे कि केरला के अंदर क्या हुआ है। साथ में यहाँ पे बात करते हैं जो कि बीजेपी के एक नेता है कर्नाटका का, जो कि स्टेट के प्रेसिडेंट है कर्नाटका के बीजेपी के, उन्होंने गांधी जी को लेकर कमेंट कर दिए हैं और अभी इनको पार्टी ने जो है वो यहाँ पे कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया है, ऐसा क्यों बोला है। तो मतलब गांधी जी के खिलाफ ही कुछ स्टेटमेंट है जो कि इन्होंने यहाँ पे दे दिए, बोल दिए कि गांधी जी के नॉन वायलेंस की वजह से आज़ादी नहीं मिली है एंड ऑल, ऐसे कुछ स्टेटमेंट दे दिए अपने अपने कोई काम का नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं थोड़े से ठीक है सरके हुए, तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी का स्टेटमेंट है दोस्तों जो कि इकोनॉमी को लेकर है और यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ये जो केस है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। यहाँ पे कुछ लोग एक होटल को चेन्नई के अंदर बेच रहे थे 150 करोड़ में, उसी होटल के अंदर बैठ के डील है जो कि कर रहे थे। जब ये वहाँ के स्टाफ को पता लगा कि होटल को बेचने के लिए लोग डील कर रहे हैं आपस में, तो उसने मैनेजर को बताया, मैनेजर ने मालिक को फ़ोन किया, मालिक भागा भागा आया कि मेरे से तो कोई पूछ ही नहीं रहा होटल बेचने की बात हो रही है। तो यहाँ पे होटल बेच 150 करोड़ रुपए का होटल में इसको बेच रहे थे फर्जी पेपर ऊपर बना के। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को लेकर। तो आपने दोस्तों सीनियर एडवोकेट और काफ़ी ज़बरदस्त जूरिस्ट है हमारे देश के, उनका नाम सुना होगा आपने, ठीक है, फाली नरीमन का। तो यहाँ पे फाली नरीमन ने ऑब्जेक्शन किया है दोस्तों इस चीज़ के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर, जो कि अभी जो अपने अरविंद जी है उन्होंने बोला था कि काफ़ी बार ऐसे मुद्दे हो रहे हैं देश में रिलीजियस चीज़ों को लेकर, जैसे कि सबरीमाला टेंपल इशू हो गया, साथ में मुस्लिम वुमेन को भी मस्जिद में एंट्री करने को लेकर हो गया, साथ में मैंने आपको बताया था ना कि जो जेनेटिकल म्यूटिलेशन होते हैं, जो एक ट्राइब होती है, मतलब एक ट्राइब होती है दाऊदी करके, दाऊदी बोहराज करके एक सेक्ट होता है मतलब अलग से मुस्लिम में, वो क्या करते हैं महिलाओं के जेनेटिकल्स को कट करते हैं ताकि उनकी वर्जिनिटी मेंटेन रहे टिल द एज ऑफ द मैरिज। ओके, और साथ में पारसी वुमेन के अंदर भी होता है कि इंटर मैरिज फेथ अगर कर लेता है कोई तो फायर टेम्पल में अलाउ नहीं करते हैं। तो ऐसे हर एक रिलीजन के अंदर कई सारे मैटर होते हैं, तो इन मैटर को क्या कर रहा है, क्या किया जाए, एक 9 जज की जो बेंच है वो बैठे और सबसे पहले तो डिसाइड करें
कि कौन कौन से मैटर के ऊपर डिस्कशन करना है और उसके बाद में उसके ऊपर जजमेंट दे कि क्या इन चीजों को बंद कर देना चाहिए। इक्वालिटी देश में सबसे ऊपर है या फिर रिलीजन चीजों का जो टॉलरेंस है वो सबसे ऊपर है, तो ये काफी बड़ा मुद्दा हो जाता है। अगर आप फंडामेंटल राइट देखते हो तो उसमें इक्वालिटी की बात होती है, फिर आप रिलीजन चीजों के ऊपर जाते हो तो फिर वहां पर काफी हंगामे हो जाते हैं, लोग रिलीजन टॉलरेंस की बात करते हैं, तो ये काफी बड़ा देश में बड़ा खतरनाक मुद्दा है। सबरीमाला वाला टेम्पल का आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोल दिया था कि एंट्री अलाउ कर दी थी, लेकिन जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इतना लार्ज प्रोटेस्ट हुआ, तो उनको भी जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज करके उसको बदलना पड़ा। तो ये हमेशा ऐसे केसेस आते रहते हैं। तो अरविंद जी ने बोला कि एक ही बार में मैटर को क्लोज करते हैं, एक बार बड़ी जज नौ बेंच की जो जज है वो बिठाते हैं और उसके ऊपर पूरा का पूरा काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये जो काफी बड़े जुरिस्ट हैं हमारे देश के, काफी बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने बोला है कि ये पावर सीजीआई के पास में है ही नहीं कि किस मैटर को जो है वो बड़े बेंच के ऊपर लेके जाना है। इट इज टोटली जो है इट इज अ मैटर ऑफ रिलीजन, रिलीजन का मैटर है, तो इसके ऊपर जो है इनका ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि आप कोई बड़ी बेंच बिठा के इसको आगे ले जाओ। तो यही यहाँ पे मुद्दा है। अब इन्हीं को काउंटर अटैक करने के लिए एक और दूसरे सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने बोला है कि भाई ऐसा हो सकता है, रिव्यू जजमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैटर है। तो होपफुली आने वाले दिनों के अंदर हमको इसको लेकर काफी और भी चीजें जानने को मिलेगी, इस मुद्दों के ऊपर जानने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैटर वही वाला दे रखा है, होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा है क्या। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपको मालूम है, थर्ड केस जो है नोवल कोरोना वायरस, आज सुबह भी मैंने वीडियो डाला है जिसमें मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे। मैंने आपको बताए थे कि 7 तरीके के जो है कोरोना वायरस होते हैं पाए गए आज तक, और उसमें से जो 7वां है ना उसका नाम क्या है, नोवल कोरोना वायरस। तभी इसको जो नाम क्या दिया गया है, NCOV नाम है जो कि दिया गया है, जो कि अभी वुहान कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्फेक्शन कंफर्म हो गया है केरला के अंदर, और स्टेट के अंदर जो है स्टेट कैलेमिटी जो है वो जारी कर दी गई है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी मेडिकल है वहां पे, हॉस्पिटल है, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, सभी के अंदर सारी सुविधाएं अवेलेबल होगी, सभी लोगों को कोई भी टेस्ट करवा सकता है, कहीं पर भी मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत होगी वो होगी। लोगों को जो बाहर निकलने के लिए जो है वो सख्त हिदायत दी जाती है कि आप बाहर ना निकले, अगर कोई ज्यादा ही आपको कोई काम है तभी जो है आप क्या करो, बाहर निकलो अपने फूड के लिए, फिर बाकी चीजों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने ये डिसीजन है जो कि यहाँ पे बता दिया है। अभी नियर बाय 2200 लोग है, ठीक है, जो कि चाइना से उन्होंने स्टेट के अंदर ट्रैवल किया है, उन सभी को स्कैनिंग के अंदर डाला गया है। दोस्तों नियर बाय 2000 लोगों को घरों के अंदर कैद कर दिया गया है, जो लोग चाइना से आए हुए थे उन लोगों को, और उनके ऊपर आइसोलेशन में रखा हुआ है, और उसमें से 80-90 लोगों को तो हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट करा दिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर भी उनमें से और ज्यादा मरीज है जो कि देखने को मिल सकते हैं। 140 सैंपल जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है ना कहाँ पर है, पुणे के अंदर है, तो वहां पर भी भेज दिए गए ताकि उनकी भी टेस्टिंग कर सके। और हालांकि वो वाले तो नेगेटिव आए, लेकिन पॉजिटिव आने के और भी कई सारे चांसेस है जो कि यहाँ पे बोले जा रहे हैं, ठीक है। तो एक हाई लेवल ऑफ मिनिस्टर्स की, हाई ग्रुप ऑफ लेवल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेड किया, और उन्होंने इसके मैनेजमेंट को लेकर बोला है। थर्ड केस आते ही पूरे स्टेट के अंदर दोस्तों ये काफी बड़ा एक न्यूज है जो कि हो गई है, और होपफुली कि अभी चीजें कंडीशन स्टेबल हो जाए, बाकी सारे राज्यों के अंदर ना फैले। और ये तो अच्छी बात है कि ये केरला के अंदर हुआ है, तो केरला काफी ज्यादा सतर्क रहता है, वहां पे फैसिलिटीज काफी बेटर कंपैरेटिवली। अगर भगवान ना करे ये नॉर्थ इंडिया में अगर आ जाए, यूपी बिहार राजस्थान अगर इन एरिया में आ गया, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ की सरकारों से यहाँ से कोई भी इस तरीके से मैनेजमेंट हो पाएगा, या फिर ये लोग कोई बेटर स्ट्रैटेजी करके कोई प्लान कर पाएंगे जब तक कोई मिनिस्टर नहीं लुटकेगा, समझ रहे हो। तब तक अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर तो काफी मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। तो चलो ठीक है, केरला के अंदर है तो केरला मैनेज कर सकता है, उम्मीद लगा सकते हैं। इंडिया का बेस्ट स्टेट है एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर, बाकी सब चीजों के अंदर, ठीक है। तो ये तो फिर भी थोड़ी सी ठीक न्यूज है, हो ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं जो कि अपने पेज नंबर 6 को लेकर। पेज नंबर 6 की बात करेंगे यहां पे दोस्तों, मुक्ति कारावन को लेकर। देखिए एक वैन है जो कि राजस्थान में स्टार्ट करी गई है, जिसको किसको लेकर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर। तो आपसे पेपर में पूछेंगे कि ये मुक्ति कारावन जो है वो कहां पे लॉन्च करी गई है, तो ये राजस्थान में लॉन्च करी गई है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को मैनेज करने को लेकर, समझ गए। आपको मालूम है दोस्तों कि आपने जो कैलाश सत्यार्थी थी जिनको नोबेल अवार्ड मिला था, तो उनका एक एनजीओ है बचपन बचाओ आंदोलन करके,
तो बचपन बचाओ आंदोलन में क्या करते हैं, उन्होंने हजारों बच्चों को जो है वो माइन में काम करने वाले जो 14 साल से कम के हैं, 16 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको उन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड करी है, और उनको गरीबी से मतलब उनको है ना काम करने वाली जो ट्रैफिकिंग से उन्होंने बचाया है। तो इसी को लेकर वो राजस्थान के सीएम से मिले, गहलोत साहब से मिले, और गहलोत जी ने भी जो है इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लिया है, और यहाँ पे एक वैन है जो कि यहाँ पे जारी करी स्टार्ट करी गई है। ये क्या करेगी, फोकस करेगी हर जगह पर, अवेयरनेस कैंपेन चलाएगी, फोर्स लेबर को लेकर बात करेगी, एक्सप्लॉयटेशन को लेकर, सेक्सुअल अब्यूज को लेकर बच्चों के। तो नियर राजस्थान के जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे 2 महीने तक ये ट्रैवल करेगी, और वहाँ पे जागरूकता अभियान है जो कि चलाएगी, हर एक गांव के अंदर पंपलेट बांटेगी, वहाँ पे छोटे छोटे से पब्लिक प्लेसेस के ऊपर एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी, पोयम करवाई जाएगी, शॉर्ट फिल्म्स को दिखाया जाएगा गांव के अंदर, ताकि चाइल्ड अब्यूज़ को, सेक्सुअल अब्यूज़ को, साथ में एक्सप्लॉयटेशन जो होता है बच्चों का, फोर्स लेबर जो होता है, इन सभी के अंदर क्या सके चीज़ों को मैनेज करने को लेकर, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो ये पुलिस के साथ में मिलकर कैंपेन है जो कि चलाया जा रहा है। तो पेपर में सिंपल से पूछेंगे ये कहां पे स्टार्ट किया गया है, तो ये राजस्थान के अंदर स्टार्ट है जो कि किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि पेज नंबर 8 पे, दोस्तों यहां पे हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे निमांस को लेकर। ये निमांस क्या है दोस्तों, देखो कई बार एग्जाम के अंदर जो है वो पूछते हैं इसके बारे में, कई लोगों को हवा भी लगती है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में आ गई और भारत के लोगों को पता नहीं है। एक्चुअली के अंदर दोस्तों जो ये अपना इंस्टीट्यूट है ना, हमारे देश में मेडिकल इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो कि माना जाता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, समझ गए, मेंटल हेल्थ यानी कि मेंटल हेल्थ को और न्यूरो साइंस को के लिए, इससे बेस्ट इंस्टीट्यूट इंडिया में नहीं बताते हैं। और ये कहां पर है, ये बैंगलोर के अंदर है, ठीक है, ये बैंगलोर के अंदर है। तो इन्होंने क्या किया था अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों, जो तमिलनाडु है उनकी पुलिस को भी जो है किस तरीके से आप मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रख सकते हैं, इसको लेकर उन्होंने जो है इनको ट्रेनिंग अवेलेबल करवाई थी। और अभी ये क्या कर रहे हैं, आईटीबीपी के जो अपने स्टाफ है ना, कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस को काउंटर अटैक करना है, उसको लेकर ये जो है ये लोग साइकोलॉजिकल इश्यूज के ऊपर यहाँ पे इनको चीजों को सिखाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो इससे पहले इन्होंने और भी कई पुलिस जो है उनको ट्रेनिंग अवेलेबल करवाई है कि अगर आपको काफी ज्यादा प्रेशर में काम करना होता है तो कैसे काम करें, कैसे आपको चीजों को टैकल करना है। काफी ज्यादा आपको मालूम है पुलिस के अंदर भी बहुत ज्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस होता है, रात को 12 बजे काम हो जाता है, 2 बजे काम हो जाता है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है सोशली पुलिस वाले, पुलिस के अंदर भी, साथ में आईटीबीपी जो अपने आर्मी वाले हैं कई बार सुसाइड कर लेते हैं, कई बार आपस में गोली कोई मार देता है। तो ये सब चीजों को किस तरीके से आप स्ट्रेस को काउंटर अटैक कर सकते हैं उस चीज को लेकर, ठीक है। और यहां पे नियर बाय सारे जवान हैं जिनको यहां पे ट्रेनिंग है जो कि अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक है गाइस। इसके अलावा 12 फरवरी को दोस्तों ये लोग भी साइंस डे है जो कि ऑब्जर्व करते हैं, और कई सारे जो बच्चे हैं उनको उनके मेंटल हेल्थ को लेकर जो है एग्जीबिशन जारी करते हैं, किस तरीके से ब्रेन आपका काम करता है, ब्रेन में स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो उस चीज़ को लेकर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो है इसकी जो शुरुआत है ना, ठीक है, ये 1974 के अंदर करी गई थी एज ए निमहांस को तैयार पे। उससे पहले ये मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था, उससे पहले लूनेटिक असाइलम हुआ करता था, तो सेम जगह बेंगलुरु के अंदर पहले तो मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल होता था, उसके बाद में इसी को चेंज करके इंस्टीट्यूट बना दिया, मेडिकल इंस्टीट्यूट, जिसका नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, है ना, बेंगलुरु के अंदर है, ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, और इसका जो ये देखिए मैस्कॉट क्या है, स्वैन, व्हाइट स्वैन। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 9 की तरफ, यहां पे चलेंगे दोस्तों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरफ, जो कि अपने कहां पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा एक डाटा जारी किया गया कि सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे जो गुमशुदा होते हैं वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा, और उसके बाद में सेकेंड नंबर के ऊपर है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर जो बच्चे महिलाएं जो कि कई बार मिस हो जाते हैं ना, मिसिंग रिपोर्ट्स लिखाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर रिपोर्ट है जो कि देखने को आई है, और ये डाटा जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जारी किया है दोस्तों। 2 राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं दोनों गुम हुए हैं। अगर ये बात करें तो ना सिर्फ 18 की 2017 में भी ऐसा हुआ है, 16 में भी ऐसा हुआ है, 2019 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को कि जितने भी मिसिंग पर्सन हैं उनका डाटा बनाया जाए, उनका एनालिसिस किया जाए, कहां से लोग कहां मिस हुए हैं, कितने लोग ट्रैफिक की जो ट्रैफिकिंग की जो समस्या है वो कितने लोगों के अंदर हुई है, तो उसका पूरा डाटा बनाने के लिए बोला गया था, डाटा बनाया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने, और ये नंबर है जो कि पेश किया है।
मध्य प्रदेश में से 10,000 बच्चे हैं जो कि मिस हुए हैं 2018 के अंदर, वहीं वेस्ट बंगाल के अंदर 8,000 बच्चे हैं जो कि यहाँ पे मिस हुए हैं। तो काफी लार्ज डेटा जो है यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, काफी ज्यादा, ठीक है, हजारों की तादाद में देख सकते हो आप। महिलाओं की बात करें तो महाराष्ट्र में 33,000 महिलाओं के बारे में अभी तक कोई पता नहीं है। सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल है महिलाओं में, फिर मध्य प्रदेश है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे एक और न्यूज है जो कि आरओ सिस्टम को लेकर है। आपको मालूम है दोस्तों कि आजकल क्या होता है कि हर किसी के घर में आरओ जो है ना वो ना कंपलसरी सा हो गया, क्योंकि सरकार के पानी के ऊपर किसी को भरोसा नहीं रहा। नॉर्मली देखो होता क्या है कि अगर कोई साफ पानी पे सरकार दे रही होगी ना, तभी भी लोग क्या होते हैं कि भाई लोगों को पता होता नहीं है, बस लोगों को सुना है कि आरओ लगाना होता है तो लोग लगा लेते हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि कंपलसरी करने वाली है सरकार कि अगर आपको टैप वाटर साफ है तो आप घर में आरओ नहीं लगा सकते हो, समझ गए। आरओ लगाने से आपको मालूम है पानी की वेस्टेज भी होती है, तो उसी को काउंटर अटैक करने के लिए प्रपोज्ड रेगुलेशन है जो कि अभी आ रहे हैं एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा दोस्तों, और 30 दिन के लिए जो है अभी टाइम है जो कि दिया गया है। जहां जहां पे टैप वाटर जो BIS के नॉर्म्स को फुलफिल कर रहा है, BIS क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिस चीज के भी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना प्रॉपर, वो अपना BIS ही देखता है, समझ गए। तो अगर इसके नॉर्म्स के हिसाब से आपके घर में पानी आ रहा है तो आरओ सिस्टम जो है उसको बैन कर दिया जाएगा। अभी सिंपल सी बात है, देखो हर घर के अंदर घुस के तो पुलिस वाले देखने वाले हैं नहीं, लेकिन एक थ्योरिटिकली बात बता रहा हूं मैं तो आपको कि थ्योरिटिकली आरओ बैन कर दिया जाएगा, समझ गए। अभी जैसे कि कितना है, अगर मैं देखो बात करूं, देखो आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझा देता हूं मैं कि अगर घर आपके घर में देखो होता क्या है कि 600 TDS के ऊपर बेस्ड होता है आपके पानी की क्वालिटी, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। आपके पानी के अंदर कितने छोटे छोटे डिजॉल्व सॉलिड है उसके ऊपर आपके पानी की क्वालिटी डिपेंड करती है। नॉर्मली बोलते हैं कि 500 TDS तक, ठीक है, 500 TDS के अंदर अंदर अगर आपका आ रहा है TDS, देखो 100-150 रुपए का एक डिवाइस आता है TDS मेजर करने का, ऑनलाइन मंगा लेना, घर के पानी के अंदर टेस्ट कर लेना, अगर 500 के नीचे आती है वैल्यू TDS की तो आपका घर का जो पानी वो सेफ है, आपको आरओ की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए। अगर 1000 पहुंच गई, 1200 पहुंच गई, 1500, 2000 पहुंच गई तो डेफिनेटली आपको उसको रिमूव करने के लिए आरओ की या कोई भी प्यूरीफायर की जरूरत पड़ेगी, समझ गए। ये होता है एक्चुअली में लॉजिक, तो ठीक है। तो यहां पे जो बताया गया है दोस्तों वो ये बताया गया है कि जो अपने स्टैंडर्ड्स है ना वो क्या है, 105/00/2012, ये BIS के स्टैंडर्ड है, इसके अकॉर्डिंगली जो है वो यहां पे ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई है जो कि करी जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड है, उसने भी बोला है कि भाई हम भी जो पानी दे रहे हैं वो साफ दे रहे हैं, बाकी राज्यों के अंदर भी पानी साफ आ रहा है, तो इस चीज को लेकर बोला गया है। तो मिनिस्ट्री बोल रही है कि अगर पानी साफ आ रहा है तो हम आरओ को बैन कर देंगे, 500 mg पर लीटर की जो लिमिट है वो यहां पे बताई गई है, समझ गए मेरी बात। अगर हमारे देश में बात करें दोस्तों तो देखो हमारे देश में क्या होता है, थोड़ा बहुत जो है वो चलता है पानी, तो इसलिए हमारे यहाँ पे रेगुलेशन में लिमिट थोड़ी सी ज्यादा रखी गई है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो देखो 500 mg पर लीटर तक ही पानी पीना चाहिए विदाउट आरओ वाला, लेकिन हमारी सरकार ने यहाँ पे 1200 mg पर लीटर तक की जो है ना वो लिमिट रखी गई है TDS की। तो देखो 1200 तो ज्यादा हो जाता है वैसे एक्चुअली के अंदर बोलूं तो मैं, लेकिन सरकार ने रखी हुई है क्योंकि आपको मालूम है कि अपने यहाँ पे पानी की समस्या है, तो फिर साफ पानी की तो बात अलग है। तो यहाँ पे करंट जो रेगुलेशन है ना वो क्या है, 500 से लेकर 1200 तक है, समझ गए, जिसके अंदर सॉल्ट और सब ऑर्गेनिक मैटर ये सब आपको देखने को मिलता है। अभी देखो मार्केट में कई तरीके के डिफरेंट डिफरेंट प्यूरीफायर है जो कि आपको मिलते हैं, ऐसे देख के ऐसा लग रहा है ना कि मैं भी आपको वाटर प्यूरीफायर का सेल करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है, मार्केट के अंदर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है अलग अलग जो है प्यूरीफायर लेके आके, कि एक बोलेगा कि भाई आरओ है, एक बोलेगा कि है ना यूवी रेज है, एक बोलेगा कि इसके अंदर मिनरल ऐड कर देते हैं फलाना ढिमकाना, ये सब मार्केट स्ट्रेटेजीज होती है, कोई काम के नहीं होते ये सब, समझ गए। ये सब कुछ नहीं है, मिनरल कोई अलग से ऐड नहीं करते, पहले से आपके पानी में मिनरल्स होते हैं, जब आपका पानी आपके घर पे आता है ना तब उसके अंदर ऑलरेडी मिनरल्स होते हैं गाइज, समझ गए। जब आप उसमें आरओ लगा देते हो या फिर कि ये UVF और ये सब लगा देते हो ना, तो आपके मिनरल जो है उसमें से निकल जाते हैं, पानी पूरे के तरीके से क्या हो जाता है, टेस्टलेस और मिनरल लेस हो जाता है, समझ गए मेरी बात। और महंगा अगर आपको आरओ बेचना है तो वो क्या करेंगे, जो मिनरल पहले उन्होंने निकाले ना उसी मिनरल को आपस से ऐड कर देंगे पानी को साफ करके, और फिर आपको बोल देंगे कि भाई ये आरओ भी है यूवी प्लस फलाना प्लस ढिमकाना प्लस, और ऐसे करके आपको 20,000 रुपए का जो है वो बेच देंगे, समझ गए, ठीक है। तो ये सब जो है स्ट्रेटेजीज होती है मार्केट के अंदर, और अगर आपके पानी का लेवल चेक कर लो, अगर लेवल
500 TDS के अंदर आ रहा है तो आपको जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ की, और ज़्यादा जा रहा है अगर 500 TDS 500 mg पर लीटर से तो ठीक है, आप कोई छोटा सा RO जो है वो लगा सकते हो, ये आपको ज़्यादा चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए। हाँ हेमा जी हेमा मालनी यहाँ पे याद आ गई सभी लोगों को, कैंट का जो प्यूरीफायर आता है हेमा जी वाला, बिल्कुल सही बात है। ओके चलो ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो पानी जो है सबसे बेसिक एक नेचुरल चीज़ है जो कि मतलब कोई बना भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी 20-20 रुपए में बॉटल मिल रही है और उसको साफ करने के लिए कितने ज़्यादा महंगे इक्विपमेंट्स बिक रहे हैं, जबकि नेचुरल चीज़ है यार पानी को, मतलब पानी को कोई प्रोटेक्शन नहीं करते आप लोग, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बात करें, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे बात करी गई है स्पोर्ट्स को लेकर, और स्पोर्ट्स को लेकर बात करी गई है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बताया गया है कि 2000 के बाद में यानी कि पिछले 20 सालों से दो ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 70% ग्रैसलैंड टूर्नामेंट है जो कि जीत लिए। दो आपको नाम मालूम है, एक तो है अपने रॉजर फेडरर और एक है नडाल, मतलब इन दोनों प्लेयर ने पिछले 20 सालों से टेनिस के अंदर जो है 70% ग्रैसलैंड टूर्नामेंट जीत लिए। साथ में 2003 के बाद बात करें तो जोकोविक आए और फिर इसने क्या किया, जोकोविक ने दोनों को जो है हराना चालू किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि नडाल तो फ्रेंच ओपन के अंदर हारने को तैयार नहीं है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो फेडरर और उसके बाद जोकोविक हारने को तैयार नहीं है, विंबलडन के अंदर फेडरर हारने को तैयार नहीं है, US ओपन के अंदर फेडरर रहे, फिर जोकोविक नडाल इस तरीके से चलता आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे बताया गया कि सबसे ज़्यादा, कल भी मैंने बताया था कि 20 ग्रैंड स्लैम जो है वो फेडरर के पास है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है। तो विंबलडन जो कि ग्रास कोर्ट के ऊपर होता है, ग्रास कोर्ट के अंदर रॉजर फेडरर का कॉम्पिटिशन नहीं है। हम लोग इतनी देशभक्ति की बातें करते हैं, हमारी गवर्नमेंट इतनी देशभक्ति की बातें करती है, हमारे मंत्रालय इतनी देशभक्ति की बातें करता है जवानों को लेकर वोटिंग के टाइम पे, सब जगह पे, इलेक्शन के टाइम पे, इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे, लेकिन आप देख सकते हो क्या की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर बताया है पार्लियामेंट के अंदर ये रिपोर्ट अभी टेबल करी गई है और बोला गया है कि जो हमारे जवान हैं ना तो उनको स्पेशल क्लोथ मिले हुए हैं, ना उनको स्पेशल गियर जो होते हैं वो मिले हुए हैं, और ना ही कोई मल्टीपर्पज बूट है जो कि मिले हुए हैं, समझ गए। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है ना, INDU जिसको हम कहते हैं, INDU इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, इसने प्रपोज किया था कारगिल कमिटी के बाद में 1999 के टाइम के बाद में, कारगिल युद्ध के बाद में बोला था 1999 के बाद में इंदू कमिटी ने कि हमारे जवानों को क्या मिलना चाहिए, एक प्रॉपर गियर है जो कि मिलने चाहिए, साथ में बजट भी 4000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया गया था ताकि इनको हर चीज़ को लेकर जो है इनको बेनिफिट मिले, इनके चीज़ों के ऊपर R&D और रिसर्च हो, लेकिन आज तक हम रिसर्च के अंदर बिल्कुल फिसड्डी है, समझ रहे हो। सारे के सारे जो भी हमारे जवानों के सामान आ रहे हैं सियाचिन से, सारे के सारे हम लोग क्या कर रहे हैं आज भी क्या इंपोर्ट करवा रहे हैं, मतलब कारगिल के टाइम पे हमने इंपोर्ट करवाए थे, पाकिस्तान से पहले इंपोर्ट करवा लिए थे, इसीलिए जो है हम लोग पहले चढ़ाई कर गए थे और पाकिस्तान वाले जो है रोते रोते चढ़ाई करे, और हमने सियाचिन वाला जो युद्ध है 84 के टाइम पे, मेघदूत की बात कर रहा हूँ, 99 के टाइम की बात नहीं कर रहा, ऑपरेशन मेघदूत का ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, ऑपरेशन मेघदूत भुवनेश लिखना आपको वीडियो मिलेगा, उसमें मैंने पूरा सियाचिन युद्ध के बारे में बता रखा है, समझ गए, देखना वो वीडियो आपको कमेंट में डलवा दूंगा, बहुत मजेदार वीडियो है। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था कि हमने UK से मंगवाए थे, पाकिस्तान वाले भी UK से ले रहे थे, अपने को पता लग गया अपन ने पहले मंगवा लिया वहां से, और अपने जवान जो लद्दाख स्क्वाड थे उनको पहुंचाया, उन्होंने जो है युद्ध को जीत लिया। तो आज भी वैसी कंडीशन है कि हम लोग आज भी इंपोर्ट ही करवा रहे हैं, आज भी हम लोग जो है रिसर्च के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, समझ गए। तो वो यहाँ पे पूरा का पूरा बताया गया कि जो हमने 99 के टाइम पे सोचा था कि भाई ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो सारे के सारे अभी कुछ भी नहीं है, और सब यहाँ पे जो बजट की बात करें तो बजट भी हमने अप किया था काफ़ी, 400 करोड़ से 4000 करोड़ रुपए का बजट है जो कि पास किया था, और पिछले चार साल से तो नए जो कपड़े हैं वो भी नहीं आ पाए हैं, डिले हो रहे हैं, देख सकते हो डिले ऑफ अप टू 4 ईयर्स इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एसेंशियल जो क्लोथ है इक्विपमेंट चाहिए होते हैं 4 साल से वो भी डिले पड़े हुए, क्रिटिकल गूगल्स जो है उनकी भी यहाँ पे जरूरत बहुत ज़्यादा है, मल्टीपर्पज बूट की जरूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रिसाइकल करने को जो बूट्स होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी कम है। तो यहाँ पे पूरी रिपोर्ट है जो कि टेबल करी गई है। आगे बात करते हैं जो कि है ऑपरेशन वनीला को लेकर। ऑपरेशन वनीला दोस्तों आपको मालूम है मदागास्कर जो कंट्री है वहाँ पे हमने अवेलेबल करवाई है ये मदद, क्यों करवाई है, क्योंकि मदागास्कर के अंदर फ्लड आया हुआ था, साइक्लोन आया हुआ था, जिसके वजह से 1,00,000 लोगों को जगह छोड़नी पड़ी, कई सारे लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई है, नियर बाय अगर वहाँ पे बात करूँ तो नियर बाय 31 लोगों की डेथ हो गई है, और अभी कुछ टाइम पहले ही लखनऊ के अंदर डिफेंस एक्सपो हो रहा है ना, तो वहाँ पे मदागास्कर के जो
डिफेंस मिनिस्टर है वो भी इंडिया आए हुए हैं, तो और इंडिया ने मदद भी करी है, तो इसलिए दोनों देशों के बीच में काफी अच्छे रिलेशनशिप है, समझ गए। नेवी ने हेल्प करी मदागास्कर को और उसके बाद में विजिट हुई डिफेंस मिनिस्टर की हमारे लखनऊ के अंदर। तो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को लेकर यहाँ पे बात करी गई है। INS इरावत है जो कि हमने भेजा था, ध्यान रखिएगा पेपर में सवाल पूछेंगे कौन सा INS है जो कि हमने भेजा था, समझ गए मेरी बात। तो ये रिलीफ मटेरियल है, फूड हो गया, क्लोथ हो गया, मेडिसिन, वाटर, ये सब है जो कि हमने पहुंचाए थे दोस्तों, ठीक है। मदागास्कर कहां पर है ये देख सकते हो आप, ओके ये मदागास्कर है, एरेरे करके इसकी करेंसी है और अनाता रोवीरो करके जो है इसकी कैपिटल का नाम है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 15 की तरफ चलते हैं और मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा जंप मिला है जनवरी के अंदर, पिछले 8 सालों के अंदर जो है सबसे ठीक जंप है जो कि जनवरी के अंदर मिला है मैन्युफैक्चरिंग में, होपफुली ये कंटिन्यू होती रहे तो काफी अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे छोटी सी न्यूज है RBI को लेकर कि जो अपने RBI के जो चीफ है शशिकांत दास, उनको सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड है जो कि मिला है दोस्तों, ठीक है। एशिया पैसिफिक जो अपना रीजन है ना, एशिया और पैसिफिक वाला एरिया है, उसके एरिया के अंदर उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। जिस तरीके से उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लेकर, इस तरीके से इन वजह से जो है अवार्ड है जो कि इनको दिया गया है। बैंकर मैगजीन करके एक मैगजीन होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रेपुटेड को इंटरनेशनल अवार्ड है, लेकिन ठीक है बैंकर मैगजीन करके एक मैगजीन होती है, उन्होंने एशिया पैसिफिक के अंदर जो अवार्ड है वो इनको दिया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं, स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे दो न्यूज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर को क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है दोस्तों लॉरेंस स्पोर्टिंग मूवमेंट 2000-2020 के अवार्ड के लिए। पिछले 20 सालों में बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट कौन सा हुआ है, उसके लिए 5 लोगों को जो है वो कैटेगराइज किया गया है, उसमें सचिन तेंदुलकर भी है। आपको मालूम है सचिन तेंदुलकर 2011 जब वर्ल्ड कप हुआ था मुंबई में, फाइनल में श्रीलंका को हराया था, तब रोने लग गए थे, तो काफी बड़ा मूवमेंट था पूरे देश के लिए सचिन तेंदुलकर के लिए, जिन्होंने 20-25 साल जो है अपने क्रिकेट को दे दिए, तो उनके लिए तो वो जो मूवमेंट है उसको भी लॉरेंस ने क्या किया है, नॉमिनेशन के तौर पर इंक्लूड किया है। अभी जीतेंगे हारेंगे वो तो अभी 17 फरवरी को IGS अनाउंसमेंट होने वाला है, है ना, 17 फरवरी को होगा बर्लिन के अंदर, बाकी नॉमिनेशन है जो कि इनको किया गया पिछले 20 सालों के बेस्ट मूवमेंट को लेकर, ठीक है। साथ में BBC अवार्ड की बात करते हैं दोस्तों, तो अपने कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको BBC अवार्ड के अंदर भी नॉमिनेशन किया गया है, तो PV सिंधु है, मैरी कॉम है, इसके अलावा 5 नॉमिनी और है जो कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की कैटेगरी के अंदर, जो कि 8 मार्च को अवार्ड है जो कि दिए जाएंगे। कौन कौन है, एक तो मैरी कॉम हो गई, PV सिंधु हो गई, विनेश फोगाट, और साथ में दूति चंद है यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे मानसी जोशी है, ठीक है। मानसी जोशी जो है ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, ध्यान रखिएगा मानसी जोशी के बारे में आपको कम पता होगा, तो ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। बाकी सिंधु आपको मालूम है बैडमिंटन है, विनेश फोगाट जो है ये रेसलिंग है, बॉक्सर, और दूती चंद जो है अपनी एथलीट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया नेशनल इमरजेंसी बिकॉज ऑफ द टिड्डे। तो जो टिड्डे को अटैक की वजह से आपको मालूम है जो कि अपने गुजरात में भी काफी समस्या हुई है, राजस्थान में भी काफी समस्या हुई है, तो पाकिस्तान को भी काफी समस्या हुई है लोकस्ट के अटैक की वजह से, ठीक है। टिड्डे नहीं होते क्या, इन्होंने जीना आराम कर रखा है यार, प्रेजेंटली बहुत बुरी हालत कर रखी है वेस्ट वाले पार्ट में, ओके। काफी ज्यादा जो है वो अपने फार्मिंग को नुकसान पहुंचा दिया पंजाब वाले प्रोविंस के अंदर, इस टाइम के ऊपर ये मेनली आते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के टाइम पे, और वहां पे जो है इतनी ज्यादा समस्या हुई है कि नेशनल इमरजेंसी जो है वहां पे घोषित कर दी गई है, और 7.3 बिलियन रुपए का प्लान है जो कि लेके आया है, और वहां पे पेस्टिसाइड वेस्टिसाइड है जो कि छिड़के जाएंगे, कोशिश करी जाएगी जितने जल्दी जो है इसको खत्म कर सके। इसके अलावा इंडिया मालदीव ने दोस्तों MOU साइन किया है और एडियो टूरिज्म जोन को एस्टैब्लिश करने को लेकर, तो ये एडियो टूरिज्म जोन कहां पे, मालदीव के अंदर एस्टैब्लिश कर रहे हैं दोस्तों, जो 5 आइलैंड है एडियू के, तो वहां पे एस्टैब्लिशमेंट है जो कि किया जा रहा है, और भारत इसके लिए क्या कर रहा है, मदद है जो कि अवेलेबल कर रहा है, ठीक है। बॉटल्ड वाटर प्लांट भी वहां पे सेटअप करेगा दोस्तों, इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स है जो कि भारत वहां पे लेके आएगा, ठीक है। आइलैंड को डेवलपमेंट को लेकर बात करी जा रही है कुल मिला के। मालदीव्स की बात करें तो इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप पिछले कुछ टाइम में काफी अच्छे हैं, मेल वहां पे कैपिटल है, रुपी करेंसी चलती है। मोहम्मद सॉली जो है ना वो थोड़े से प्रो इंडिया हो चुके हैं जब से इलेक्शन जीते हैं, तो जीते हैं वहां पे जो वहां के प्रेसिडेंट है मोहम्मद सॉली, तो इंडिया और इनके बीच में भी काफी अच्छे रिलेशनशिप है, ओके। और कोशिश हो रही है कि चाइना को जितना दूर रख सके वो रख ही दे। साथ में दोस्तों पहला कोरोना वायरस डेथ आउटसाइड द चाइना वो भी हो चुकी है फिलीपींस के अंदर, 44 ईयर के एक आदमी है उनकी डेथ हो गई है दोस्तों, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 14,000 लोगों को जो है वो इन्फेक्शन हो चुका है चाइना के अंदर,
और दुनिया के 160 कंट्री के अंदर, चाइना जाने के अंदर आप देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे चाइना जाने की अगर सस्पेक्टेड केसेस की बात करें, जिनको लग रहा है कि उनको हो चुका है, तो वो तो 20,000 के आसपास है। अभी इनके रिपोर्ट का टेस्ट होएंगे, अब टेस्ट नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा वो पता लगेगा। बाकी आप देख सकते हैं 14-15,000 को। और डेथ की बात करें तो 300 लोगों की मौत हो चुकी है चाइना के अंदर। ओके, फिलीपींस के अंदर पहली डेथ है जो कि कंफर्म कर दी जा चुकी है। भारत के अंदर भी तीसरा केस है जो कि पॉजिटिव हो चुका है। इसके अलावा बाफ्टा अवार्ड का अनाउंसमेंट किया गया दोस्तों। बाफ्टा अवार्ड कौन से होते हैं? यह ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स, लंदन के अंदर इसको करवाए गए। और 1917 जो मूवी है दोस्तों, इसको यहाँ पे मेजर अवार्ड से जो कि मिल गए हैं। ठीक है, बेस्ट फिल्म है 1917, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म 1917। और आपको जो याद करना है ना, वो सिर्फ दो ही याद करने हैं, बाकी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये दो चीजें ध्यान रख लो, एक्टर एक्ट्रेस नहीं पूछते पेपर में बैफ्टा वाले, समझ गए? नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो कि है विनोद शुक्ला ने पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार है जो कि जीता है। ओके, तो इंडिया टुडे की न्यूज है दोस्तों, इनॉग्रल मातृभूमि अवार्ड ऑफ द ईयर ये जो है किसको मिली है? ये जो ट्रांसलेटेड बुक है ब्लू इज लाइक ब्लू, इस किताब को जो है, ठीक है, ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में अरविंद कृष्णा जी के द्वारा, और उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 5,00,000 रुपए का कैश प्राइज है जो कि दिया गया है। मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2020 के द्वारा इसको अवार्ड है जो कि दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ट्रांसलेशन है, और इंपॉर्टेंट अवार्ड है, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, उन्होंने इनॉग्रेट किया कौन सा दोस्तों? यहाँ पे 21वीं पुस्तक मेला। ओके, कहाँ पे किया गया है? इसको ढाका के अंदर ही इनॉग्रेट है जो कि किया गया है, बांग्ला एकेडमी के अंदर। 21वीं बुक, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश का सबसे बड़ा बुक फेस्टिवल है जो कि माना जाता है। जैसे कि अपने प्रगति मैदान दिल्ली में नहीं होता क्या, उसी प्रकार से यहाँ का बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट बुक फेयर है जो कि बांग्लादेश का माना जाता है। साथ में बात करते हैं, यहाँ पे संतुष्ट पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो हमें हमारी लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है ना, उनके द्वारा उसको लॉन्च किया गया है, ताकि क्या कर सके दोस्तों, कोई भी अकाउंटेबिलिटी को लेकर, कोई भी पॉलिसी है उसके बारे में बताने को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर, इस चीज को लेकर यहाँ पे बातचीत करी गई है। तो संतुष्ट पोर्टल आपसे पूछेंगे कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा लेबर और एम्प्लॉयमेंट है, सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं। संतुष्ट कितना होंगे ये तो पता नहीं, बाकी पोर्टल जरूर लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट है मोहम्मद अलावी को इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है दोस्तों। आपको मालूम है इराक के अंदर काफी प्रॉब्लम्स भी चल रही है, इराक और ईरान दोनों देशों के अंदर, और अभी वहां पे मोहम्मद अलावी जो है उनको वहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक बना दिया गया है दोस्तों, वहां के प्रेसिडेंट सली के द्वारा। ठीक है, जो इससे पहले हुआ करते थे ना मेहंदी, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले रिजाइन दे दिया था, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था। प्रोटेस्ट के अंदर हजारों लाखों लोग रोड के ऊपर आ गए थे करप्शन को लेकर, साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर काफी ज्यादा समस्याएं हो रखी थी, तो इसलिए उन्होंने रिजाइन किया और नए प्रधानमंत्री यहां पे आ चुके हैं। ठीक है, बगदाद यहां की कैपिटल है वो आपको मालूम है। आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो 4 फरवरी 1881 को पहला इशू हुआ था डेली न्यूज़पेपर केसरी का, जो कि तिलक साहब के द्वारा लॉन्च किया गया था। 4 फरवरी 1938 को हिटलर जो है उसने खुद को लीडर आर्म्ड फोर्स का बना लिया था, और 39 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दी थी, पोलैंड को 4 दिन के अंदर ही ढेर कर दिया था। 2004 की बात करें, वर्ल्ड चेंजिंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक है जो कि लॉन्च हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं दो एक्सपीरियंस को लेकर, एक तो चुन्नू और एक जीविका के द्वारा एक्सपीरियंस शेयर किया गया है। चुन्नू यहाँ पे बोलती है कल इनका आसाम का स्टेट गवर्नमेंट का पेपर था, इरीगेशन डिपार्टमेंट का, और कई सारे क्वेश्चन जो है वो वैसे के वैसे मिले जो कि हम यहाँ पे करते हैं, तो ये पूरी तरीके से शौक थे। इन्होंने देखा कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो इनको एग्जाम में मिले वो वही मिले जो कि हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जीविका की बात करें तो इन्होंने भी अपना यूपीएससी सीडीएस एग्जाम का जो है वो एक्सपीरियंस शेयर किया है, और ये इन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस की प्रेजेंट प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने की सोची, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा थी। ओके, और फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर पाती थी, तो इनके सिस्टर ने इनको बोला कि आप क्या करो, वाईफाई स्टडी से पढ़ाई कर लो। उसके बाद रेगुलर इन्होंने करंट अफेयर देखना चालू किया, साथ में बाकी क्लासेस देखना चालू किया, और अभी जब ये पेपर दे के आई तो इनको काफ़ी बेनिफिट हुआ, और सिप्रा मैम के 30 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन जो है इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल सही करे जो कि एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप शेयर कर रहे हो तो शेयरिंग भी एक केयरिंग ही होती है। अगर आप किसी को कोई अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो आप उसको वाईफाई स्टडी शेयर कर सकते हो। आज भी
कम से कम दिन में चार चैनल मिला के 100 क्लास होती होगी वाईफाई स्टडी के ऊपर। जो सच में पढ़ना चाहता है ना, दिन की 100 क्लासेस कम नहीं होती है चार चैनल अगर वाईफाई स्टडी के मिला लो तो, समझिए। उसके अलावा अगर आपको फिर से अगर कोई कोर्स करना है, खत्म जल्दी करना है, टाइम कम है, टेस्ट सीरीज लगानी है, तो फिर आपके लिए अनअकैडमी प्लस भी चालू कर रखा है। आपको मैंने बता रखा है कि बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं, कोई सा भी अगर एग्जाम देना है, 10% ऑफ चाहिए तो रेफरल कोड लगा दिया करो, मिल जाएगा। कोई अगर आपको जल्दी पढ़ना है, कोर्स खत्म करना है, पहले से प्रिपरेशन नहीं करी है, तो एक अल्टरनेटिव है जो कि आपकी ऑफलाइन कोचिंग का ये स्टार्ट किया गया था। मैंने पहले भी बोला है ये यूट्यूब का अल्टरनेटिव नहीं है दोस्तों, ये ऑफलाइन कोचिंग का अल्टरनेटिव है जो कि आपको दिल्ली विल्ली जाके जाना पड़ता है, समझिए। यूट्यूब का कभी भी कोई भी अल्टरनेटिव नहीं आ सकता है, इसलिए यूट्यूब की क्लासेस आज भी वैसे ही चलती है जैसे कि 4 साल पहले चलती थी, समझ गए। तो होपफुली कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो उससे बेटर है कि घर बैठे अपना टाइम बचाओ और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। CHSL का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, 10 तारीख से करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है, साथ में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब पढ़ा रहा हूं मैं आपको यहां पे, ठीक है। ज्वाइन कर लेना, बहुत फायदा मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर। और मैंने इसका जो लेवल है वो पूरी NCERT कवर करवा रहा हूं उसके अंदर, साथ में आपके PCS का, UPSC सारे एग्जाम की तैयारी आप इस वाले से कर सकते हो जो कि अभी CGL में चल रहा है, ठीक है। चलिए, करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, ओपन करनी है, आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, कोई से भी एग्जाम का गोल हो, रेफरल कोड लगा देना, 10% ऑफ मिल जाएगा और सारी क्लासेस मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने SSC सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे प्लस में गए, गेट सब्सक्रिप्शन में गए, फिर 6 महीने 12 महीने का मिलेगा, 12 महीने ले लेना। जितने भी SSC के एग्जाम है सबकी तैयारी कर सकते हो आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका पेपर ना निकले अगर आपको सारी क्लासेस का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी, समझ गए। 12 महीने का ले लेना, रेफरल कोड लगा देना BHU NESS बुनेस्टेन, तो ₹500 पर मंथ से भी कम हो जाएगा, ठीक है गाइज। चलो, ये टेलीग्राम ग्रुप है करंट अफेयर्स बाय बुनेश सर, 18,000 के आसपास लोग होंगे, ज्वाइन कर लेना, आपको क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। ये राजेंद्र सर का कोर्स है, राजेंद्र 10, और UGC NET का कंप्लीट कोर्स, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप UGC की तैयारी कर रहे हो तो। चलिए देखते हैं पहला सवाल, निम्नलिखित में से किसने अपनी अनुवादित पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, ठीक है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स में अग्रणी अभिनेता का पुरस्कार है जो कि जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एकशी पुस्तक मेले का उद्घाटन डैश में किया गया है, एकशी पुस्तक मेले के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मोहम्मद अलावी को डैश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। भारत में कोरोना वायरस का दूसरा मामला डैश में दर्ज किया गया, कहां पे किया गया है भाई, कभी भी ना करें इन दोनों राज्यों के अंदर कोरोना वायरस आए, ये राज्य नहीं संभाल पाएंगे, ठीक है। बाहर किस राज्य ने हरी श्रेणी के उद्योगों के लिए प्रत्यक्ष CTO योजना का अनावरण किया है, किस देश ने अड्यू पर्यटन स्थापित करने के लिए भारत के साथ में समझौता किया है, नए उत्तरी कमान प्रमुख के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है, किस राज्य ने स्थानीय लोगों के लिए कैसीनो के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, संप्रति भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास है। तो ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण सेशन दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।